Schweizer Lied Schach Ruck Karl. थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. आप सबको मेरा नमस्कार. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, आमंत्रित किया है. एंड मैं बहुत दिनों से बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर रीजंस पब्लिक प्लेसेस में नहीं गया हूँ, बट यहाँ पर मेरा आना बहुत बहुत लाजमी था क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर अपनापन लगता है. सो थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग ऑल ऑफ यू ग्रेट उमंग 2022 एंड सलाम एंड आदाब टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. क्या बात है शाहरुख सर, मुझे बताइए कि नाचते वक्त ऐसी वो कौन सी लड़की थी जो पप्पी ले गई आपकी निशान दे दिया. कर देती हूँ क्योंकि बीबियां इस बात में बड़ा कलेश डाल देती हैं. शाहरुख सर, यहाँ पर इतने सारे सेलिब्रिटी आए हैं लेकिन मेरी नजर कमिश्नर साहब से नहीं हटी सर. जिस शान से सर बैठे हुए हैं, आई एम श्योर सब उनकी बात मानते होंगे. मतलब कितनी बड़ी बात होगी ना सर, मुंबई शहर का पुलिस कमिश्नर होना. मुंबई पुलिस का कमिश्नर होना आई थिंक इस महकमे के लिए नहीं पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी बात है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी बात मानी जाती है. कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, कुछ शख्सियत ऐसी हैं, एक शख्सियत ऐसी है स्पेशली जिनके सामने हमारे कमिश्नर साहब भी जो हैं सर झुका के यस बॉस यस बॉस यस बॉस करते हैं. मैं नहीं मान सकता सर, ऐसी कौन सी पोस्ट है. कमिश्नर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको बता दूं कि आप किसके सामने यस. काहे का अंदर बेस्ट. देखा आज आपको याद है क्या है, हमारी शादी की सालगिरह और आप लेट आए हो. क्यों डार्लिंग, तुम आती नाराज हो रही हो मुझसे. तुमने ये पूछा भी नहीं कि आज मेरी उंगलियां कैसे चली. बस उंगलियां बताओ कैसे चली. मैं आज व्हाट्सएप पे तुम्हारा टीवी देख रहा था, तुम इतनी हॉट लग रही थी जैसे मैंने जूम इन किया ना. बेबी क्यों मुझे जूम करते हो, आपको तो पता ही है मेरी डीपी जूम मत किया करो, मैं पहले ही जूम हूं. और ये उंगलियां जल गई, ये हो गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बातों में मत उलझाओ मुझे, आज मैं एनिवर्सरी लेट क्यों आई ये बताओ. बेबी मैं मुंबई सिटी का पुलिस कमिश्नर, मैं रातों भर जागता हूं तो ये पूरी सिटी जो है चैन की नींद सो सकती है. तुम्हें पता है मैं अपने सालगिरह का फंक्शन मिस करता हूं तो लाखों हजारों ऐसे फंक्शन हैं जो सेफली बनाए जाते हैं, और अपना फंक्शन मिस करके दूसरे के फंक्शन को आगे बढ़ाने वाले को कहते हैं बाजी का है. नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर. यही सब बातें आती हैं आपको. हाँ मेरी बाहों से आकर लग जाओ. क्या बात है, पूरा खोलिए. ये शाहरुख खान के साथ साथ अच्छे पति भी हैं. इनको पता है आजकल बारिश हो रही, कपड़े सूखेंगे नहीं, इसीलिए घंटों घंटों ऐसे खड़े रहते हैं. एक बार तो मैं दुबई चली गई थी 3 महीने के लिए, 3 महीने ऐसे खड़े रहे, बेड की सारी सीट सुखा दी आपने. मुझे तुम्हारी यही अदा बहुत पसंद है. सच्ची? इधर आओ, तुम मेरी आंखों में देखो और मेरे करीब आओ. और बस, और बस. कमिश्नर सर यही बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही अपनी तरफ से. बस मुझे याद आ गया एनिवर्सरी और आप लेट आए हो, मुझे छोड़िए, मुझे अच्छा लग रहा है, छोड़िए मुझे, छोड़ दिया. हाँ कौन सी आंखों में अदाएं, कभी आंखें गौर से देखिए, मेरी मोतियां बिंद हैं. कभी ऑपरेशन करवाया, मुंबई कमिश्नर क्या बन के सारी दुनिया की हेल्प कर रहे हो, मुंबई को ऐसा बनाऊंगा ये वो, कभी बीवी की हेल्प की है. आज मैं यहाँ पर हार गई हूँ, हार गई, हार गई. कभी कभी तो जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है. रोज सोने से पहले आपको मेरा बिस्तर झाड़ना पड़ता है. सबके सामने क्यों ऐसा तू जोर से बोल रही हो? जोर से बोल दिया? हाँ. एक मिनट, जाओ जाके बिस्तर झाड़ के आओ. तुम्हें पता है भारती मैं कौन? मैं नरों में नर, मुंबई का पुलिस कमिश्नर. और मैं? तुम हो नारियों में नारी, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सिर्फ तुम नहीं, मुझे लगता है कि हर नारी दुनिया की जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है. क्या बात है, ऐसी लाइन तो सिर्फ शाहरुख खान ही बोल सकते हैं. जरा हंसना ना. बारिशों का मौसम है, छत पे बिल्कुल मत सोना, वरना खड्डे में पानी आ जाएगा, मच्छर आ जाते. यार कितने अच्छे पति, मैंने आपको माफ कर दिया, आप लेट आए लेकिन नेक्स्ट टाइम जल्दी आना. नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो. एक्चुअली क्या है ना कि आदमी कमिश्नर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, सुपरस्टार बन जाए, सुपर कॉप बन जाए, चाहे हेड ऑफ द हाउस हो जाए, लेकिन जो गर्दन है वो घर की औरत ही रहती है, और गर्दन जिस तरफ मुड़ती है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, हेड को भी उसी तरफ घूमना पड़ता है.
And that's why I dedicate this evening and every evening to all the ladies in the world. How sweet, yeah. Taaliyan ho jaye ek baar. शाहरुख सर के लिए जोरदार तालियां यार, मेरी बीवी के साथ रोमांस कर रहे थे और मुझे ही मजा आ रहा था। ये जान है शाहरुख सर का, सीरियस कितना अच्छा पति ऐसा सबको मिले।